जनपद संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मलपुर भवानी में हरि सिंह द्वारा बाइक से एक बच्ची को टक्कर मारकर घायल करने की शिकायत जब गांव के ही कुछ लोग हरि सिंह के घर पहुंचे तो हरि सिंह व उसके दो भाई अमरीश व खुशी राम ने एक राय होकर शिकायत करने आए 8-9 लोगों पर फायर कर गोली चला दी और लाठी डंडों से भी हमला कर बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना घायल देवकी नंदन व उसके परिजनों ने थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल व्यक्तियों को मेडिकल परीक्षण कराकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। अरविंद मोर्य, क्या करते हैं आप? मैं ग्राम प्रधान मलपुर भवानी मौजूदा। क्या हुआ आपके साथ? सर, एक बच्ची को हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें समझौता करा दिया गया था। टक्कर करता था खुशी राम, हरि सिंह का भाई। तो उसके बाद जब इधर से कुछ लोग तेल लेकर के आ रहे, उनको उसने रोका तो हम जो है समझौते के रूप में 6-7 लोग गए। उसने हमला कर दिया, जिसमें फायरिंग की, डंडे मारे, रोड़ा बरसाए, जिसमें 3 लोग सीरियस रूप से घायल हैं और कुल मिलाकर के 9 लोगों को छर्रे लगे हैं। हमने तत्पश्चात पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस हमको अब यहाँ चंदूसी अस्पताल लेकर आई है। देवकी नंदन बोझ हुआ, उसका भाई जा रहा था रोड से, अवनीश, वो हरि सिंह का भाई अवनीश। तो एक हमारे भाई की बच्ची खेल रही थी वहाँ, वो लेग गार्ड में लग गई खिचड़ी बहुत दूर, वो है प्लेटिना, वो CT 100। हाँ, तो जो है उसे रोका था, वो भाग आया। फिर वो जो है एक पीछे से और गाड़ी ठोंगा दे रहा, तो एक जगह वो गिर भी गया गाड़ी में। गिरने के बाद फिर वो अपने घर पे आ गया। फिर उसे समझाने गए थे हम लोग, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई है, हम ये गांव वाले। फिर जो है उसे समझाने गए थे ना, तो जो है वहाँ वो घूर भर रहा था। घूर भरने पे भाई जो है उसने जो है तपाई चालू कर दी। 100 नंबर की गाड़ी थी, उसका भाई बैठा था उसमें, और 100 नंबर की गाड़ी में से जो है अपना भाई भी उतार लिया उसने। फिर भाई मारपीट स्टार्ट हो गई, उसने जो है बीच बचाव में जो है डंडाबाजी भाई, उसने मेरा फारा भी मार दिया। हम तो खाली हाथ थे साहब, समझाने गए थे। ये दो पक्षों में लड़ाई हुई है, जिसके लेकर के 9 लोग हमारे अस्पताल में आए, जिनका सभी का उपचार यहाँ पर करा, सभी 9 के 9 लोगों को रेफर करा गया है जिला अस्पताल संभल के लिए। हालत किसी की गंभीर नहीं है, सबको उपचार पूरा मिला है। तो किस तरह से क्या भाया थे, क्या लगा था? जगह जगह पिन पॉइंट लेसरेटेड वुंड आए हैं इनके। अब उसकी जांच ये करने के लिए उसी लिए एक्सरे कराया गया, ताकि इससे पता चले कि ये किस चीज़ के निशान है। उसी चीज के सभी लोगों को 9 के 9 लोगों को रेफर करा गया है जिला अस्पताल संभल के लिए। सभी के एक ही तरह के निशान है, कुछ लोगों के खुली हुई चोटें भी हैं, जैसे लाठी वगैरह से लगा हुआ। तो जिस जो जो हिस्से हैं वो सारा मेंशन करा गया है मेडिकल में, एक एक चीज़ बताई गई कि कहाँ कहाँ चोट है, कितनी है, जिसको रेफर की जरूरत, रेफर सभी को करा है, सारे के सारे 9 लोगों को।